दोस्तों पिछले कुछ समय से यूट्यूबर्स के चैनल पे हैक किए जा रहे हैं, उन्हें डिलीट भी कर दिया जा रहा है। तो भाई यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोग अपना चैनल यहाँ पे बचाना चाहते हो और यूट्यूब से जो है अर्निंग करना चाहते हो और यूट्यूब को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो दोस्तों हैकर किस तरीके से आप लोग का यूट्यूब चैनल को हैक कर रहे हैं और भाई यहाँ पर किस तरीके से आप लोग अपना चैनल को बचा सकते हो, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो भाई यार बिना किसी तरीके के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो भाई यहाँ पर बात की जाए हैकर किस तरीके से हैक किए जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे चैनल्स की जिनका भाई चैनल यहाँ पे हैक किया जा रहा है। तो भाई जो अभी ट्रेंडिंग में जो चैनल चल रहा है वो है भाई ज्ञानी 2.0, जिनको आप लोग देखते ही हो कि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनका भी चैनल यहाँ पर हैक कर दिया गया है। लेकिन भाई उनकी कुछ भी गलती नहीं है, जिन्होंने भी उसका चैनल हैक किया भाई, तो जिसने भी उसका चैनल हैक किया भाई, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि उनके चैनल का, पहली बात तो उनके चैनल का आइकन ही चला गया। मतलब जैसे आप लोग देखते हो मेरे यूट्यूब चैनल का आइकन, ठीक है, इंटरनेट वाला है आइकन, ठीक है, तो भाई वो चैनल का आइकन जो है उनके चैनल पे अब नहीं आ रहा है, उस आइकन को हटा दिया। और जब वो वहाँ से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुद अपना यूट्यूब चैनल पे विजिट नहीं कर पा रहे, उनको अपना चैनल दिख ही नहीं रहा। और अगर वो किसी और अकाउंट से अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल तो खुल रहा है, लेकिन भाई वो लोग अब जो है अपनी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। तो भाई जिस चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी चैनल यहाँ पे हैक कर दिया गया। और भाई ये हैकर कौन है अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। यूट्यूब से टीम से वो जो है कांटेक्ट कर दिया रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर से भी उन्होंने कांटेक्ट किया है, बीबी की वाइंस, अमित भड़ाना और कैरी मिनाटी, इन सबसे उन्होंने कांटेक्ट किया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी यहाँ पे हल नहीं निकला। उसके बाद बात करते हैं कुछ छोटे मोटे चैनल्स की, तो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको हैक किया जा रहा है और वो भाई क्या गलती कर रहे हैं वो चैनल्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली हैकर कर क्या रहा है भाई, उनसे कांटेक्ट कर रहा है या फिर उनके जीमेल के थ्रू या फिर भाई कोई व्हाट्सअप के थ्रू, और क्या कर रहा है भाई उन पर, पहले तो उनके चैनल की बहुत तारीफ़ कर रहा है, फिर बोल रहा है उनके लिए वो वेबसाइट बनाएगा, ऐप बनाएगा, फिर कुछ भी एक अच्छा सा काम करेगा उनके लिए, और जो है काम करने के बाद उनको एक लिंक दे रहा है। अब जैसे ही हम लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारा सारा का सारा डाटा गाइज़ उनके पास चला जा रहा है, और वो हैकर गाइज़ आपके चैनल का सारे का सारा डिटेल्स यहाँ पर ले रहा है, और जितने भी भाई वो पासवर्ड होते हैं ना सिक्योर करने वाले पासवर्ड, सब के सब वो डिलीट कर देते हैं, जिससे कि गाइज हम लोग अपना पासवर्ड यहाँ पे रिकवर भी नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज कर देते हैं। और भाई इन हैकर्स को पकड़ने का एक हल भी है जो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊँगा। तो भाई ये हैकर्स को इस तरीके से आपको हैक कर रहे हैं, सिंपली वो क्या करते हैं गाइज़, आपको जो है लिंक देते हैं और आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और आपका चैनल यहाँ पे हैक कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है जो नॉर्मल हैकर्स होते हैं, जिन्हें हैकर कहने का भी गाइज गलत होगा क्योंकि उन्हें हैक करने भी नहीं आता है, वो बेसिकली करते क्या हैं, आप लोगों का खुद आईडी मांगते हैं, जिन लोगों का बेसिकली चैनल मोनेटाइज नहीं होता उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं वो जो उनका चैनल मोनेटाइज करके देंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो उनका आईडी पासवर्ड लेके चू हो जाते हैं। तो भाई ऐसा करने से भी आप लोग यहाँ पे बचिएगा, कभी भी किसी को भाई अनजान व्यक्ति को कभी भी अपना आईडी पासवर्ड मत दीजिएगा जीमेल का, अगर वो आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड है। और कभी भी भाई किसी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, अगर आपको जीमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहा है और वो बोले आपका वो सब्सक्राइबर है, तब भी मत करिएगा भाई। आप लोगों को चैनल बचाना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रूड बनना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई यहाँ पर किस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को सेव कर सकते हो, मान लेते हैं आप लोग अगर अकाउंट जो हैक हो चुका है तो आप लोग क्या यहाँ पर कर सकते हो, तो बेसिकली आप लोग कर क्या सकते हो, पहली चीज़ भाई जिसने भी आपका अकाउंट हैक किया ना, आप लोग तो पहले साइबर सिक्योरिटी में जो वहाँ पर केस कर सकते हो, आप लोगों को सारी की सारी उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, बैंक अकाउंट भी उसने लगाया होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब पहले तो उसने एडसेंस वगैरह से कनेक्ट किया होगा, और उसके बाद भाई उसने जो है अपना यहाँ पे एड्रेस, बैंक अकाउंट, सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दी गई होंगी। तो ये तो भाई बहुत ही बड़े लेवल की बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम के पास हम लोग जाएँ और वो लोग हमें डिटेल्स दें। दूसरी चीज़ भाई, कोई भी अगर ऐसा लिंक आए तो आप लोग उस पर क्लिक मत करिएगा, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और भाई यूट्यूब टीम को तो आप लोग जानते हो कि तसलो है, ज्ञानी 2.0 के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने कॉन्टैक्ट तो किया था लेकिन भाई अभी जो यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूट्यूब चैनल से, मतलब उनके यूट्यूब के थ्रू जो भाई कोई भी यहाँ पर जो है उनको कोई भी मेल वगैरह नहीं आया है, और वो अभी तक अपने चैनल का वेट कर रहे हैं कब उनका चैनल वापस आएगा। तो भाई यहाँ पे जितने भी हैकर्स हैं उसमें से कुछ प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो भाई आपको बिना लिंक दिए आपका चैनल का पूरा डाटा निकाल रहे हैं, कुछ हैं जो आपको लिंक दे रहे हैं और भाई कुछ आपसे डायरेक्टली पासवर्ड मांग रहे हो और आप लोग दे भी रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से बचिए, आपका चैनल जो है डेफिनेटली बच जाएगा, अदरवाइज़ यार आप लोग का भी चैनल है भी डिलीट कर दिया जा सकता है और हैक भी बहुत ही ईजिली हो सकता है। तो बच कर रहिए यार, आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यार आपको सब कुछ समझ आओगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और भाई चैनल पर न्यू डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।